ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फीमेल कांस्टेबल के रिवाइज रिजल्ट के बारे में और कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड बिल्कुल सही है, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर साथ साथ क्या लिखा गया था कि रिजल्ट जो है टीम जो है दिल्ली जाएगी दोबारा चर्चा करने के लिए। जब सब कुछ सही है, रिजल्ट रिवाइज नहीं होना, फिर किस बात की चर्चा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो जो है मेल कांस्टेबल के लिए था। क्या आपको लगता है कि मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल के लिए अलग अलग मेथड अपनाया जाएगा? ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, किसी के 80 नंबर क्वेश्चन ठीक थे, उसके पास 4 नंबर एक्स्ट्रा थे तो उसका स्कोर हो गया 68। अगर किसी के 70 क्वेश्चन ठीक थे और 12 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो उसका भी स्कोर 68 बनता है। जब दोनों के 68 नंबर हैं तो सिलेक्शन 70 वाली का हो रहा है, 80 वाली का क्यों नहीं हो रहा? मैं मानता हूं कि 70 वाली का भी होगा क्योंकि वो भी उसके भी इतने ही मार्क्स हैं, फिर 80 वाली का क्यों नहीं, मेन बात है ये। तो जब नॉर्मलाइजेशन का मेथड सही है, मेथड सही है, एक्स्ट्रा मार्क्स ने डाल रखा है पंगा। ठीक है, तो आज जो कोर्ट में हियरिंग थी तो आज वो पूरी तरीके से जो है एडजमेंट उसको कर दिया है। आज किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूफ थे वे ऐसे ऐसे पर्सनल मेथड लगाना चाहिए जो मैंने भी एक वीडियो में बताया था, वो सिर्फ जमा करवाए हैं और कोर्ट ने अगली हियरिंग दे दी है फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब अगली हियरिंग फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी, 15-20 दिन का टाइम है। अब देखो दो कंडीशन है, एक तो ये कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और HSSC अपना जो है प्रोसेस कर रही होगी। ठीक है, पहली संभावना जो आप लोग सोच रहे होगे। दूसरी संभावना जो मैं सोच रहा हूँ वो बताता हूँ आपको कि HSSC के रिजल्ट में जो है कुछ खामियां हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स को लेकर परसेंटाइल मेथड रिटर्न का रिजल्ट जो है बिल्कुल सही निकाला, कोई उसमें कोई दिक्कत है नहीं, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो जो है अपने परसेंटाइल मेथड को लगाने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स को भी लेकर तो वो अपनी खामियां दूर करेगी और उसके बाद ही जो है रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। मुझे जो लगता है कि HSSC ने खुद ने ये टाइम लिया होगा, क्योंकि जैसा कि बार बार चेयरमैन साहब बताते हैं कि अभी स्टाफ बिजी है PST के, मेल कांस्टेबल के PST में, तो उसके बाद 20 तारीख के बाद जैसे 10-15 दिन और बच जाएंगे तो उसके बाद शायद अपनी जो है सारी चीज़ें ये करें। तब तक जो मीटिंग वगैरह इनकी होनी है वो भी हो जाएगी। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जैसे ही कोई अब हियरिंग है उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका रिवाइज हो, जो मुझे लगता है। और सेकंड थिंग बात करें मेडिकल वाली लड़कियों की, तो उसकी हियरिंग दो फरवरी को है। अब 2 फरवरी को अंजलि की हियरिंग है, उसके बाद ही उनका मेडिकल का रिजल्ट भी उनके साथ में ही जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसके साथ में ही निकालेंगे, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट रिवाइज ही होगा, या मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जो मुझे लगा कि रिजल्ट रिवाइज होगा एज पर फैक्ट ऑफ द केस और जो आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको कि आपकी क्या राय इसमें बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।